बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक ट्रेंड। मैं हूँ आपका होस्ट वैस राजपूत और आप देख रहे हैं पब्लिक ट्रेंड। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो की न्यू जो डिवाइस थी, पहले आ चुकी थी लेकिन उसके फीचर्स पे थोड़ी सी बात करते हैं और उसमें क्या कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती थी उस पर बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी मॉडल्स इसके रीनो 4 भी आया हुआ है लेकिन उसके बाद रीनो 5 भी आ चुका है, रीनो 5 प्रो भी आ चुका है लेकिन अभी उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो रीनो 5 जो रीनो 4 है इस पर डिस्कस थोड़ा सा करते हैं। इसमें हमें देखने को मिलता था एंड्रॉयड 10, इसको इसके अंदर हमें देखने को मिलता था। और इसके साथ अगर बात करते हैं इसकी हम साइज़ की, तो साइज़ इसका 165 ग्राम इसका साइज़ हमें देखने को मिलता था। ओवरऑल अगर हम इसकी थिकनेस की बात करते हैं तो 160.3 इसकी थिकनेस हमें देखने को मिलती है। डुअल सिम भी ये सपोर्ट करता है। इसके बाद इसमें 3 कलर अवेलेबल थे उस वक्त इसमें ब्लैक, ब्लू और पर्पल कलर हमें देखने को मिलता था। जहाँ तक इसके प्रोसेसर की बात की जाए, 2.3 ऑक्टा कोर प्रोसेसर स्नैप ड्रैगन 720G के साथ हमें देखने को मिलता था इसके साथ। और अगर इसके साइज़ की बात की जाए, 6.4 इसका साइज़ हमें देखने को मिलता था। और फ्रंट ग्लास की बात की जाए तो गोरिल्ला ग्लास इसमें हमें इस्तेमाल करने को मिलता था कंपनी की तरफ से जो दिया गया था। ओवरऑल इसके वेरियंट की बात की जाए तो इसमें 8 128 और 8 GB 256 के हिसाब से दो वेरियंट इसमें अवेलेबल थे। ये कंपनी की एक पॉलिसी होती है जिसमें 3 से 4 महीने एक मॉडल चलता है, उसके बाद उसको बंद किया जाता है ताकि उसका मॉडल चल सके और नेक्स्ट मॉडल जो है उसकी तरफ कंपनी का रुझान हो जाता है। ओवरऑल यहाँ पे इसके कैमरा की बात की जाए, ट्रिपल कैमरा हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर, जो रेयर कैमराज हैं। फ्रंट कैमरा उसमें हमें डबल कैमरा हमें देखने को मिलते हैं। बैक की अगर बात करते हैं तो बैक में हमें इसका जो रेयर कैमरा जो मेन है उसमें 48 मेगापिक्सल प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल इसमें देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक हम इसके फ्रंट की बात करते हैं, इसमें 32 मेगापिक्सल और प्लस 2 मेगापिक्सल कैमरास फ्रंट पे हमें देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक ब्लूटूथ की बात की जाए, काफ़ी मोबाइल्स एंड्रॉयड वर्जन में आते हैं जिसके साथ ब्लूटूथ की रेंज है 5.0 चल रही है, लेकिन जो ओप्पो रीनो के जितने भी अभी तक मॉडल्स आ रहे हैं उसके अंदर जो है 5.1 हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर मेन चीज़ की डिस्कस करते चलें, प्राइसेस की मार्केट में तकरीबन 60,000 रुपीज़ के लगभग इसकी प्राइस है। तो ओवरऑल प्राइस के हवाले से देखा जाए तो अभी ये अच्छी डिवाइस थी। और जहाँ तक इस प्राइस टैग में देखा जाए, कैमरास की बात की जाए, फ्रंट कैमरास काफ़ी अच्छे हैं इसमें, 32 मेगापिक्सल के साथ 2 मेगापिक्सल जो इसका कैमरा है उसमें 6 से 8 मेगापिक्सल किया जा सकता था। और जहाँ तक इसके रेयर कैमरा है उनकी बात की जाए तो उसमें हमें क्वाड कैमराज भी देखने को मिल सकते थे, जैसा कि 448 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल कैमराज हैं। ओवरऑल अगर क्वाड कोर कैमराज होते फ्लैश लाइट के साथ अगर दिए हुए हैं तो अगर इसमें 4 कैमरास होते हैं तो वो एक अच्छी इसे फ्लैगशिप डिवाइस हम कह सकते थे। और जहाँ तक इसके बैक की बात की जाए, उसमें आपकी मेन चीज़ जो है इसके अंदर इसके जो फिंगर्स हैं उनको आप कहीं भी सिक्योरिटी के वाले से अगर देखा जाए तो वो भी इस पर नहीं लग सकते। तो इसकी बैक की बात की जाए तो काफ़ी कलर्स को मिलाकर इसकी बैक जो है उसको बनाया गया है। दोस्तों, उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो तभी हम आपको नई से नई वीडियोस जो हैं आपको मिल सकेंगी। और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम आने वाले न्यू अपडेट्स आप तक आसानी तक पहुँच सकें।